का नाम आप सबको पता है अभी भी चल रही है शायद और आज से ठीक 20 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जो भी फैमिली के ऊपर थी और 20 साल बाद एक और फिल्म रिलीज हो रही है तितली जो भी फैमिली के ऊपर है लेकिन हम सब जानते हैं कि तितली एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है इसमें वही इंडियन फैमिली है लेकिन डिपिक्शन ट्रीटमेंट बहुत ही नया है बहुत ही आज का है और आई फील इट्स इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर द चेंज दैट इंडियन सिनेमा इंडियन सोसाइटी हैज़ गॉन थ्रू एंड आज पूरी तितली की फैमिली यहाँ पे है और सिर्फ इस फैमिली के सिवाय भी इन सब के पीछे एक एक फैमिली छुपी हुई है इनकी अपनी अपनी फैमिली जिनके लिए वो आज यहाँ पे हैं जिनसे लड़के या झगड़ के या जिनके साथ प्यार मुहब्बत में निगोसिएशन करके वो आज यहाँ पे बॉम्बे में आए एक्टर बने डायरेक्टर बने जो भी बने तो आई विल थ्रो इट ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड टू गेट यू गाइस टू नो द फैमिली ऑफ दिथ्ली ये एक बड़ी अजीब दुविधा है मैं हिंदी में ही बोलता हूं क्योंकि आपने सवाल हिंदी में किया है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आ, फेस्टिवल का नाम सुन के ही दर्शकों का एक बहुत बड़ा समुदाय और डिस्ट्रीब्यूटर का समुदाय और मार्केटिंग जो फिल्म करते हैं उनका समुदाय डर जाता है कि ये पकाएगी तो नहीं ये दिमाग का दही तो नहीं करेगी क्योंकि इस तरह की कुछ फिल्में होती हैं जो कहती हैं हम फेस्टिवल हैं और फिर वो यू you नो know, थोड़ी सी पकाती हैं लेकिन कनु बहल जिस तरह के डायरेक्टर हैं वो इस तरह के डायरेक्टर बिल्कुल नहीं है कि वो पकाना चाहते हैं इनफैक्ट कनु की कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करा देती हैं जो वो आगे करेंगे तो पिछला जो ट्रेलर था वो हमने थोड़ा सा जल्दी में हमने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जो ट्रेलर बनाया था उसका ही एक रूपांतर हमने इंडिया में चलाया था चला के हमने देखा कि हमको मालूम नहीं था हम ऑब्जेक्टिव नहीं थे लेकिन हमने जब फोकस ग्रुप के दर्शकों को तितली का इंडिया कट दिखाया उन्होंने हमको थप्पड़ बस नहीं मारा उन्होंने कहा कि यार ये इतनी, और इतनी सीधी फिल्म है इतना समझ में आता है इस फिल्म में तुम क्या कह रहे हो कि ये मेरी फैमिली में साथ हो चुका है तो इसको तुमने इस ट्रेलर में ऐसा क्यों दिखा रहे हो तुम जो फिल्म का कोर कथानक है तुम ट्रेलर में दिखाओ उसको तो वो सुन के हम थोड़े चेते और हमने नया ट्रेलर बनाया और आज के रिएक्शन से और जिनको भी हमने दिखाया लोगों को हमको लगा कि अब हम सही गए ये इसका मीनिंग क्या है हर फैमिली फैमिली नहीं होती इसका जवाब आपको कनु देंगे क्योंकि ये कनु ही हैं जिन्होंने पूरी फैमिली को यहाँ पे गैदर किया तो वो आपको बताएंगे इसका जवाब uh, family, family नहीं होती है, uh, because... क्या है इसका तात्पर्य उसी में छुपा हुआ है मुझे लगता है कीजिए प्रसंग सहित व्याख्या हर फैमिली आ, आ, फैमिली नहीं होती का, मतलब वो उसमें फैमिली से जुड़े हुए जो बहुत सारे आ, अलग अलग संदर्भ में वो हम खोलना चाह रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स खोलना चाह रहे हैं फैमिली में बहुत कुछ हो सकता है डिस्कॉर्ड भी हो सकता है डिफरेंसेस भी हो सकता है हो सकते हैं खासकर इंडियन फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं जैसे हम लोग आपस में बात करते थे शूट में तो एक हमारा अपना कोड था कि हिंदुस्तानी फैमिलीज में से एक चाय पियोगे मोमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा तकरार होती है और एक घंटे तक डेढ़ घंटे तक सब प्लेट कप तोड़ने के बाद कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और फिर झगड़ा ख़त्म होता है चाय पियोगे से तो इंडियन uh, फैमिलीज़ uh, बहुत पैक्यूलियर होती हैं uh, uh, और कई तरह से डिसफंक्शनल भी होती हैं सम हाउ देर इज़ दिस थिंग कि वी आर नॉट वेरी गुड टॉकर्स तो फिल्म uh, इस इस इसके अराउंड कुछ चीज़ें फ़ैमिली के अराउंड खोलने की कोशिश करती है और uh, उसी पर्सपेक्टिव के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है कि हर फैमिली क्या फैमिली होती है और अगर होती है तो किस तरह होती है और नहीं होती है तो किस तरह होती है रणवीर वुड यू लाइक टू रिफ्रेश योर मेमोरी एंड टेल अस अबाउट एनी पिक्युलर पिक्युलैरिटी दैट ही इज मेंशनिंग यू मे हैव एक्सपीरियंसड इन रियल इफ आई हैव एक्सपीरियंसड इन रियल ओके दैट वुड बी टेलिंग बट आई थिंक आई लाइक टू लैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन व्हाट कनु हैज जस्ट सेड आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली वी टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडियलिज्म व्हिच गोस विद फैमिली माँ बाप का प्यार भाइयों के बीच में जो कमराडरी वगैरह वगैरह आई थिंक वॉट हर फैमिली फैमिली नहीं होती मीन्ज इज़ दैट लॉट ऑफ टाइम्स यू फाइंड पीपल थ्रोन इन टू दैट दो रिलेशनशिप्स बट दे आर मिसिंग द कोर इमोशंस के भाई और भाई वो भाई तो हैं लेकिन कमराडरी नहीं है भाईचारा नहीं है अगर माँ बाप हैं अगर बाप बच्चा है तो बाप का प्यार है होना चाहिए बट एक्चुअली वो इज इट इज इट प्यार यहाँ प्यार के साथ इज देर सम काइंड ऑफ वायलेंस एसोसिएटेड विद इट अब आप जो कह रही थी जैसे मेरा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो uh, एक चीज जिसने मुझे स्क्रिप्ट की ओर बहुत uh, खींचा था बिकॉज आई हैव सीन सर्टन अमाउंट ऑफ वायलेंस ट्रेवलिंग फैमिली टू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन मेरे भाइयों ने मुझे पीटा क्यों क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको पीटा मेरे पिताजी ने उनको क्यों पीटा क्योंकि मेरे दादा ने मेरे पिताजी को पीटा तो दिस इज पार्ट ऑफ हाउ आर फैमिलीज तो बट आई एम सिंग इसको कहते हैं हम लोग फैमिली है बट इज इट फैमिली दैट इज़ वॉट इट मीन्स कि हर फैमिली फैमिली नहीं होती सो मीनिंग कोर इमोशंस फ्राम रिलेशनशिप्स है म्यूटेटेड वेन दे मीट विथ रियालिटी लाइक ए सेट फैमिली के साथ कुछ आइडियलिज्म जुड़ा हुआ है इनफैक्ट आप वाई आर एफ की फिल्में देखें या धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देखें इट्स ऑल अबाउट लविंग यर फैमिली इतने दशक तक हम जो डार्कर साइड ऑफ इंडियन फैमिली है उसको कारपेट के नीचे धकेलते आए हैं तो पहली बार एक फिल्म ऐसी आई है तितली जो कि उन चीज़ों को कारपेट से कारपेट को उठा रही है उन चीज़ों से कि व्हाट आर द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फैमिली उसमें पेट्रिया की भी है उसमें जो फैमिली का आइडियलिज्म है व्हेन इट व्हेन इट मीट्स रियलिटी किस तरह से वो इमोशंस और वो रिलेशनशिप्स म्यूटेट करते हैं विच मेक्स यू वोट इट एक्चुअली सपोज टू बी एक उदाहरण दूंगा आप में से का, काफी से किनके पिताजी ने बोला था वाह तुम जर्नलिस्ट बनने जा रहे हो <laughs> किसने बोला आपको बोला था ना कि यह रहा फॉर्म इंजीनियरिंग कॉलेज का ये रहा फॉर्म इंग्लिश में एम ए का ये लोग पकड़ो उधर जाओ करो जब आपने कहा नहीं पिताजी मैं पत्रकार बनना चाहता हूं या मां मां मैं पत्रकार बनना चाहता हूं तो तमाचा पड़ा होगा या रात को माता जी मासी को फोन करिए पता नहीं क्या कह रहा है जर्नलिस्ट बनेगा वो साथ वाला देखो जोशी का लड़का उसने तो सेट पास कर लिया ये तो पता नहीं क्या तो मैं अभी भी अपने माँ बाप से कभी कभी सुनता हूँ ये आ, आप जरा अपने फैमिली के बारे में बताएं बावला सर आ, मैं इस पर ऐड करना चाहूंगा नहीं होती है और उसके बाद एक उदाहरण देना चाहूंगा अपनी लाइफ से कि uh, मैं कानपुर से हूँ हम लोगों का लेदर का काम था हम लोग लेदर के जूते बनाते थे बेचते थे तो ऑब्वियसली पापा का मन था कि हम लोग उनकी मदद करें अब पापा का आई थिंक uh, कुछ जब हम लोग 10, 12, 15 साल के हुए तो आई थिंक उनको खुद का मन जो है वो उछड़ गया अपने काम से खुद ही कम उछड़ गया तो उन्होंने ये डाल दिया हमारे ऊपर कि क्योंकि बच्चे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं मेरे काम में और ये बेकार है निकमने हैं निक, नकारा है कोई दिल्ली जाना चाहता है कोई कहीं जाना चाहता है पढ़ने तो मैं अपना धंधा ही बंद कर देता हूँ तो चक्कर ये है कि आप जब फैमिली की बात करते हो तो आपको एक एक फोटो दिखाई देता है जिसमें कि जैसे कि तितली का एक पोस्टर है यहाँ पे पीछे हमारे कि एक हंसते हुए पापा हैं एक बहुत ही भोली भाली सी मम्मी है दो मासूम से बच्चे हैं और इस तरीके का आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाई देता है बट क्या वो असलियत है क्या वही चल रहा है या वो सिर्फ दिखाया जा रहा है तो बेसिकली जैसे रणबीर ने और दिबाकर ने बोला कि हम जो तहें हैं उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असलियत में पीछे हो रहा है उसको आपके सामने लाके दिखाएं अब ऐसा नहीं है कि हमारी वाली फैमिली में प्यार नहीं है हमारी फैमिली में प्यार बहुत है जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा वो भी प्यार दिखाने का एक नज़रिया है कि यार तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो अब तुम्हें चांटा पड़ना तो ज़रूरी है या तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हें मारूंगा अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा तो इस तरीके की जो बातें हैं इस वजह से आई थिंक ये स्लोगन फिट बैठता है कि जो फैमिली का हमारे दिमाग में जो मामला है कि ऐसी होती है फैमिली और इसी को फैमिली कहते हैं तो क्या हकीकत में वो फैमिली है कि नहीं एक्चुअली हम सब वो झेल चुके हैं मैं हम, इस फिल्म में मैं यही कहना चाह रहा था कि हम आप सब अलग अलग रूप से जो तितली की फैमिली में हो रहा है हम सब झेल चुके एक इंसान इस रूम में ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी उस मुकाम से नहीं गुजरा होगा कि उसको लगे कि यार ये क्या फैमिली कहाँ पैदा हो गया हमें यू नो तो ये जो एक लेकिन साथ साथ वो प्यार भी है तो that's what it तितली में थोड़े मतलब इट नॉट नॉट टू से आपके मतलब बट पॉइंट कि वो एक्सट्रीम्स में दिख आपको टू टू इवोक दैट फीलिंग टू अंडरस्टैंड दैट थोड़ा एक्सट्रीम्स लिए गए हैं बट आपने जो आपके सवाल से इतना बड़ा शुरू हुआ है सेशन कि कि द पॉइंट बीइंग फैमिली हर फैमिली फैमिली नहीं होती मीनिंग कि द कोर इमोशंस यू वंडर इज दिस इज दिस व्हाट फैमिली सपोज टू बी बाय द वे ये जो क्राइम है सॉरी ये जो सॉरी ये जो क्राइम है ये तितली की फैमिली के लिए क्राइम नहीं है पापा ने तो बोला है अच्छे से बैठे जाके काम करो फिर हम वैष्णो देवी जाते हैं और वो काम क्या लड़के का नाम तितली है, या हुआ है? जो ये नाम लेके पैदा हुआ है और जिसकी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर ये फिल्म बन रही है मैं उसी को माइक देता हूँ वो आपको बताएगा जी मैं उसमें तितली का किरदार निभा रहा हूँ एंड जैसे रणवीर ने कहा मैंने बचपन से थैंकफुली मैं पेटा नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं पर इस सपोर्ट के पीछे भी मतलब बीच में बहुत चीज़ें अनकहीं रह जाती हैं इंडियन फैमिलीज़ में ज़रूरी बातें नहीं होती हैं बिल्कुल भी जो दिल में तुम कुछ कहना चाहते हो चाहे गर्लफ्रेंड की बात हो चाहे कुछ हो इंडियन फैमिलीज कम्युनिकेट नहीं कर पाती और मैंने भी खुद ये रिलेट किया चाहे बहुत प्यार मिला मुझे बचपन में मैंने नहीं बहुत थप्पड़ खाए हैं बहन से बहुत खाए होंगे पर माँ पिता से नहीं खाए तो ये जो सब्जेक्ट मैटर था फिल्म का मैंने इसलिए रिलेट किया क्योंकि मैं भी इन चीजों से से बीत चुका हूं और ये बहुत चीजें मेरे मन में में चलती हैं परिवार के बारे में। नहीं, से जो नहीं खाए वो हमने पूरे कर पड़ा मेरा अगर पिताजी भी चाहें तो बता सकते नाम रखने का एज राइटर्स रीजन यही था कि फिल्म काफी हद तक पेट्रिया के नाम, बारे में बात कर रही थी और वायलेंस के बारे में बात कर रही थी तो जाहिर है जब हम कैरेक्टर लिख रहे थे हम ये सोच रहे थे कि एक लड़का है जो अपने परिवार से भागना चाहता है बड़ा भाई है वायलेंट है उससे परेशान है बहुत हद तक और उससे भागना चाहता है और फिल्म पेट्रीआरकी के बारे में बात करने जा रही है तो एक तरह से ये एक कमिंग ऑफ एज फिल्म भी थी एक तरह से एक फिल्म थी इसके अपने में तितली के कैरेक्टर के अपने आप में आने की दूसरा ये था कि एक फेमिनिन नाम हमें सही लग ही रहा था बाय द साउंड ऑफ इट क्योंकि एक तरह से वो एक तितली की तरह उड़ने वाला था शायद तो ये एक दो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थे जहाँ एक पॉइंट पे हमको सही लगा कि इस कैरेक्टर का नाम तितली ही हो सकता है या फेमिनिन ही होना चाहिए बाकी स्क्रिप्ट की माइथोलॉजी के अंदर कहानी ये है कि तितली की जो माँ थी उसके दो बेटे हुए और उसके बाद बेटी का इंतजार कर रही थी बेटी कभी हुई नहीं तो बेटी नहीं हुई तो तितली का नाम ही तितली रख दिया अच्छा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने अपने पर्सनल उससे कि एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है जादू समझ रहे हैं आप तो प्यार से कुछ भी नाम रखा जा सकता है मतलब। <laughs> और फिर वो प्यार से रखे हुए नाम को दबाते दबाते उम्र गुजर जाती है जैसे मेरी मेरा एक पेटनेम है जो कि मैं बिल्कुल 20 साल से दफना चुका हूं उसको तो वो बता नहीं सकते मैं तो कह रहा दफना आगे आगे चुका हूँ आप कह रहे बता दीजिए आज बता दीजिए आज खोल ही दो so, पॉइंट फैमिली का राज रणवीर बोल दीजिए आज रणवीर क्या ये राज मेरे साथ ही जाएगा मैं आई कैन टेक अ गेस पोंदू नॉर्थ में होता है वैसे नॉर्थ में अचानक पिताजी बुलाते हैं लवली ओए और लवली फिर एक छह फुट का एक बहुत बड़ा एक लड़का सीढ़ी से नीचे उतर हमारे नेबर्स थे जिनके दो भाई थे कजन जिनके एक्चुअली नाम थे पोसू एंड पादू और डोंट प्लीज डोंट मैंने गलती करके एक दिन उनकी मम्मी से पूछ लिया आंटी इनके नाम आपने ये क्यों रखे है एंड यू कैन बी श्योर के स्टोरी वही थी जो आपको नाम से लग रहा है नाम नामकरण का एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हम लोग छोटे छोटे थे तो गोमती एक्सप्रेस में हम लोग कानपुर से दिल्ली जा रहे थे मेरा नाम नवीन था और मेरे छोटे भाई का नाम सचिन था तो मेरी माँ ने किसी और लेडी को सुना वहां पे अमित सुमित ऐसे करते हो तो उनको ये ना बड़ा अच्छा लगा कॉम्बिनेशन अमित सुमित अमित सुमित तो उन्होंने ट्रेन में ही नाम बदल दिया हमारा तो हम लोग कानपुर से चले और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते हम अमित सुमित थे और हाईली कन्फ्यूज थे एक साल तक तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ट्रेलर में एक लाइन है कि शादी भी फैमिली प्लान से होती है तो इस प्रथा में आप कितना बिलीव करते हैं और आप क्या अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहेंगे होती है ट्रेलर में एक लाइन है हाँ। तो आप इस प्रथा में कितना बिलीव करते हैं देखिए वो उन्होंने यानी कि जो फैमिली चाहती है आपकी शादी उस हिसाब से होती है क्या ये आप पूछ रहे हैं क्या मैं ये चाहता हूँ मानता हूँ uh, नहीं ऑब्वियसली नहीं सर मैं, मेरी शादी मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई मेरे भाइयों की थी दोनों की बट मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी सो so, ऑब्वियसली मैं इस तरह की फैमिली प्लानिंग में नहीं बिलीव करता लेकिन हाँ हम दो हमारे एक या दो में, में मैं बिलीव करता हूँ ये आई टेक इट दिस इज अबाउट Our recent announcement for my separation. So, but uh, I don't blame the institution of marriage for anything. I, I blame myself for that. Uh, I don't think the institution of marriage has anything to do with that. Uh, Dipakar, uh, tell us about you believe in the institution of marriage. No, no. Uh, I have a different question for you. Uh, tell us about the problems that you faced from the censor board in getting this film passed, and how many cuts have been enforced enforced by them. Actually, uh, we did not. Uh, we did not face. Any problems in the beginning when we screened it for the censor committee? It's a slightly, uh, uh, slightly anticlimactic experience. Um, Kanu and I were there for the first committee hearing, and they hadn't cut a single second of the whole film. And we were very overjoyed. But they had said that because of the strong language being used, uh, we will leave it to the chairman's discretion as to what to be done was to be done then I think we waited to be called by the chairman for a long time and we were slightly hazy about the procedure we couldn't understand what was happening and then I think the chairman called us about after about two weeks two 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 weeks and then uh, he recommended that because of the strong language in the film we go in for a revision committee we went for a revision committee the revision committee actually Passed the film without any uh, 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 dilution of the strong language except for three scenes. Yeah, two and a half scenes. Yeah, three definitely. scenes where they said that the repetition of the strong language should be reduced to 50%, something like that. So we did that and uh, we were quite happy that you know, uh, it would uh, it sort of you know, go like that because the film wasn't touched at all. But after that, how much time elapsed? Another another couple of weeks. A couple maybe, of and weeks, and maybe yeah. more. Maybe more. After, I think about a month. After that, we were still not getting our certificate for about a month. And then we requested uh, the censor board and the chairman to sort of look into our matter. Then we went there and met the chairman again. And the chairman looked at the revision committee's um, revising committee's recommendations and said that because of some, what was the reason? Uh, because of some procedural uh, the thing, the whole 50% issue, and the, yeah, b uh, the chairman actually could not agree with the revising committee's recommendation because of some technical problem, where the revising committee had said according to the guidelines. Now apparently the guidelines say something else, so we were further confused. We went back and looked at the guidelines. We couldn't understand which guidelines we're talking about. Then again, we met the chairman and then the, then the chairman uh, told us to sort of, you know, reduce the strong language in all the other, all the other scenes. and, uh, yeah, correct, that's what he said. Yeah. so then we had to reduce the strong language in some other scenes as well. and after that, uh, there was a, another period of waiting, and then we got the censor. so we've been left slightly confused with the whole process but thankfully the film hasn't been hurt at all so that was our experience and later on we were told that apparently the apparently the recommendations of the revision committee cannot be superseded by anybody else even if it's the chairman but we are not the legal authority on these because we make films and you might think that we know about censor laws deeply or whatever it is but it's not so Because the laws are so intricate and so bureaucratic that we can't understand what they are. So sometimes कोई कुछ कहता है तो हम वो मान लेते हैं. उसके बाद कोई और कुछ कहता है तो हम वो मान लेते हैं. So we've told you the sum total of our experience now you make the sense of it. दिवाकर दिवाकर दिवाकर, दिवाकर हाय. Uh, the protagonist okay here to your left, to your left. Hi. Uh, the protagonist in your film is uh, like Kanu said trying to escape a violent and patriarchal society. So do you think he stands for the young Indian man or do you think this is a film that's going to resonate more in BNC centers? I think first of all he stands for Kanu because <laughs> because <laughs> because he's been I mean uh, during the making of the film I realized I got phone calls from the crew ke ye Kanu na Shashank ko Kanu bana raha hai क्योंकि <laughs> Kanu की उम्र ज्यादा है उसकी वो acting वाली शक्ल नहीं है इसलिए उसने शशांक को लिया और उसको अपने image में पूरा बना के फिर उसको डाल रहा है फिर अपने पिताजी को भी कास्ट कर दिया एज हिज पिताजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड फॉर कनू नाउ वाई दैट यू लेव टू आस कनू सेकेंडली आई थिंक एनी फैमिली फ्रॉम डेली टू कानपुर टू ब्यूनस एरिस टू बर्लिन टू नायरोबी टू जकार्ता, कैन गेट दिस फिल्म आई हैव पर्सनली सीन प्रूव टू दिस फैक्ट आई थिंक फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी दैट इज नोन टू मैन और उस सोसाइटी में अपने ही कुछ चलते रहते हैं अटकलें चलती रहती हैं सो so, और वो अटकलें भी हम सब जानते हैं बाप इंग्लैंड में भी बाप है हिंदुस्तान में भी बाप है और नॉर्थ पोल में भी बाप है बेटा बेटा ही होता है हर जगह सो दैट एंड फैमिली बीवी डॉटर इन लॉ पूरे वर्ल्ड में एक है मैंने सब जगह थोड़ा सा घूम के देख लिया इट्स नॉट चेंडी शुड गेट दिस

Uh, मैंने इससे पहले कुछ लिखा था जो मैं uh, एक डेढ़ साल यू नो शॉप अराउंड करा और आई आई ट्राई टू माउंट इट बट इट वॉज इन वर्किंग एंड आई एक्चुअली रियलाइज़ दैट इससे पहले जो मैं लिख रहा था वो काफ़ी डिसऑनेस्ट था सो वैन आई स्टार्टड राइटिंग तितली मैंने सोचा था दैट यू नो आई आई रियली वॉन्ट टू राइट समथिंग पर्सनल एंड ऑनेस्ट एंड दैट्स वेर तितली स्टेम्स फ्रॉम तो फैमिली और मेरे अपने एक्सपीरियंसिस फैमिली सेटअप के अंदर नॉट ओनली विद माई फादर बट यू नो अलॉट ऑफ अदर रिलेशनशिप्स दैट मी, इट वॉज सपोज टू लुक इन टू इन लुक इन टू दैट वर्ल्ड बट एक्चुअली बनाते बनाते और सबके एक्सपीरियंसिस जुड़ते गए फिल्म के अंदर जितने कोलेबरेटर्स आते गए और एक्चुअली फिल्म बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल बन गई है क्योंकि बनाते बनाते हमको ये पता चला कि एज द बाज प्रॉब्लम मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है प्रॉब्लम तो हर जगह है और हर फैमिली की बात हो रही है uh, तो चाहे वो सिद्धार्थ हो जो सिनेमाटोग्राफर था जो uh, या शरद हो जिसने फिल्म लिखी है मेरे साथ uh, या फिर वो नम्रता हो uh, जो जो एडिटर है uh, उसकी अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप वैसे ही थे जैसे मेरे अपने फादर के साथ होंगे या हम सब के अपनी फैमिलीज में रहें तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ के फिल्म बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल बन गई और इट स्टार्टेड आउट फ्रॉम इट बींग अबाउट माई एक्सपीरियंसेज इन माई फैमिली

मुझे एक्चुअली लगता नहीं है कि कुछ रिजोल्व होता है एंड रेजोल्यूशन आर नॉट दैट सिंपल और डेफिनेटली आई हैड नॉट टू मेक दिस फिल्म एज अ कथॉटिक फिल्म मेरे को कुछ कहना था और मैं सिर्फ वही कहने की कोशिश कर रहा था इट्स सो दैट फिल्म के लिए इट बिकेम रियली इंपॉर्टेंट दैट वी केम टूगेदर एंड वी वर्क टूगेदर एंड दैट हैज हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो नेचुरली इन इन

इसके फिल्म के प्रोसेस में जैसे आप सब लोग जानते हैं लोगों नहीं पता नहीं होगा मैं इससे जुड़ना नहीं चाहता था क्योंकि तो मुझे कहीं थोड़ा अपने पे भी शक था और शक था कि पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बहरहाल जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली को लेके किया है मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है जो नए जनरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही बाहर निकलना चाहती है हमारी इंडियन फैमिलीज़ में हमेशा से मैं अगर रेफरेंस कोट करूँ तो बादशाह अकबर का अपने बेटे के साथ भी डिफरेंस था और वहाँ भी वायलेंस हुई थी तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी इंडियन सोसाइटी लेकिन अब जो नया ज़माना है नए लोग हैं नए तरीके से सोचते हैं वो फैमिली से सब कुछ लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे पैदा होगा तो मेरी ये सब्जेक्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन है मैं कई जगह कंटेंट को लेके थोड़ा थोड़ा तितली से मुत्तफिक नहीं भी हूँ लेकिन क्योंकि मैं एक्टर हूँ मैं इसका हिस्सा हूँ मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है अपना कैरेक्टर पोट्री करने की और फिल्म uh, जब पूरी हो गई उसको देखने के बाद ऑफकोर्स मुझे भी कहीं थोड़ा सा लगा कि uh, हाँ जो ओल्डर जनरेशन है उसको भी थोड़ा थोड़ा uh, वक्त के साथ साथ नई जनरेशन को समझना चाहिए बदलना चाहिए मतलब दोनों तरह का, का हुआ है आई थिंक समथिंग ब्यूटिफुल विच आई नेवर टोल्ड कन्नू ऑल्सो आई थिंक वट इज ब्यूटिफुल इज दैट बोथ ऑफ देम आर फिल्म मेकर्स यू नो इज़ ओल्डर जनरेशन हिज यंगर जनरेशन तो इट्स ब्यूटिफुल टू सी फादर एंड सन रिजोल्व और नॉट इवन रिजोल्व आई मीन टू काइंड ऑफ ग्रो दैट रिलेशनशिप ग्रो समवेयर इन द वर्क दैट दे आर डूइंग एक फिल्म मेकर ने अपने फादर को कास्ट किया एक फिल्म में और सिर्फ वो फिल्म पर काम करते करते उनका रिलेशनशिप सम्भाओ

दीपाकर एक फिल्म है कोर्ट जो ऑस्कर में जाने के लिए काफी डिबेट चल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो आपने फिल्म देखी और आप चाहते हैं कि वो फिल्म ऑस्कर में जाए मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया से जो बेस्ट तीन चार चुनिंदा फिल्में हैं उनको लेके उनमें डिबेट हो कि इनमें से कौन सी जाएगी ऑस्कर में बस आ, शिवानी आप एक आ, अकेली एक ब्यूटीफुल लेडी है तो हम जाए क्योंकि अपने आप, कुछ किरदार के बारे में बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं क्योंकि यशराज की फिल्में से डेब्यू कर रही हैं आप जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता ऑन योर सेंटर यहाँ पर हाँ तो कुछ अपने किरदार के बारे में अगर आप बता सके तो हाय uh, मेरा कैरेक्टर नीलू uh, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है स्ट्रांग इन वट सेंस कि उसको पता एग्जैक्टली exactly उसको क्या करना है और क्या चाहिए लाइफ में जनरली क्या होता है अगर हमारी फैमिली हमको फोर्स कर देती है किसी सिचुएशन में कि तुम ये पढ़ लो और अब तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ठीक है अब साइंस ले लेंगे चलो ठीक है पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड तक लड़े रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं साइंस पढ़ना और दे नो एग्जैक्टली अगर मैं साइंस लूँगी तो अब मुझे क्या करना है तो आप एग्जैक्टली exactly जानते हो तो नीलू को एक्जैक्टली exactly पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चली गई तो अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगी तो जैसे ही वो सिचुएशन में पहुँचती है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है And, uh, जैसे uh, फिल्म में साथ साथ मेरी तितली uh, के साथ मेरी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो वो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तितली से हो और वो कैसे उस फैमिली से बाहर निकलने के लिए या वो भी एस्केप करना चाहती है तो सब हम दोनों ही एस्केप करना चाहते हैं उस फैमिली से और uh, फिल्म उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है चल, पूरी कहानी

आई थिंक तितली में जो सबसे एक ह्यूमन चीज है क्या होता है कि मेरे को याद है कि मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता था, था तब से मे और जो मेरी वाइफ है अभी तब से मेरा अपने पेरेंट्स से रिलेशन चेंज होने लगा मैं गर्लफ्रेंड को मैं बड़ी इनोसेंटली घर लाता कि देखो मिल लो भाई मेरी गर्लफ्रेंड क्या पता मैं कल शादी कर लूँ तो मेरे पिताजी माता बड़े न्यूट्रल से हो गए हाँ हाँ कर लो हाँ हाँ ओके 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 एंड सडनली दे वॉज अ डिस्टेंस उनसे बात हजम नहीं हो रही थी तो क्या होता है कि लड़का जब भी अपनी फैमिली बनाने के जाता है उसकी जो पुरानी फैमिली होती है वो सबसे पहले इनसिक्योर होती है और ये चीज यूनिवर्सल है आप सब ने देखा ही है और इसे ही हम जनरेशन गैप कहते हैं कि यार हम तो मोहब्बत में है लेकिन माता पिता मोहब्बत के खिलाफ है माता पिता मोहब्बत के खिलाफ नहीं है माता पिता ये सोच रहे हैं कि लड़का भाग जाएगा यहां पर उल्टा हो रहा है यहां पर तितली भागने की कोशिश कर रहा है और उसको बोल रहे इसकी शादी कर दो कहीं ना भागने वाला ही है शादी कर दी लेकिन अब शादी के बाद लगता है कि यार ये तो जोरू का गुलाम है इसकी बीवी तो बहुत चंट है जैसे हमारे नॉर्थ में कहते हैं इसका तो अपना एक एजेंडा है धीरे धीरे माँ बाप को ये भूल रहा है भाइयों को भूल रहा है और ये हर फैमिली में होता है दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन लेकिन वॉट हैपन्स इज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट दैट हैपन इन तितली यू सी दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन तितली एंड नीलू उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम दोनों भगोड़े हैं हम दोनों की लाइफ एक जैसी है और उन दोनों के बीच में एक नया रिलेशन चालू होता है और वो इस फिल्म को एक ऐसा क्लाइमैक्स देती है जो हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर पाते और मेरे लिए तितली का मजा वहां पे है कि कहाँ से चालू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ एंड तक आपको खींच के रखेगा सो so, दिपा Last. So Debaga firstly, I would like to congratulate you that as your film has already won eight yeah over here to your, uh, to your left yeah as your film has already won eight awards and it has been screened worldwide uh, uh, including the Cannes Film Festival. My Award. film, Kanu's film. Oh, sorry, yeah, exactly, fine. So the thing is that I just want to know uh, as just uh, uh, Ranveer just mentioned that uh, this film Titli, uh, brings about the uh, darker aspects of life. Is it? that you guys uh, are a bit uh, want to change the family aspects of indian society मैं तो बिल्कुल चाहता हूं i want to change all the aspects of indian family मेरे लिए ऑपरेशन की शुरुआत फैमिली से होती है मैं साफ कह रहा हूं सबसे पहले ये मत करो वो करो ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए जो सबसे पहले कोई भी एक भारतीय जो सबसे पहले ये शब्द सुनता है वो ना पॉलिटिशियन से सुनता है ना धार्मिक गुरु से सुनता है वो सबसे पहले अपने माता या पिता से सुनता है कि ये मत करो वो करो और इससे क्या होता है कि पूरी जनरेशन बन जाती है हम हाथ जोड़ के चलते हैं हमें क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए हमारे किसी भी माता पिता मिडिल क्लास में ये नहीं बोलते कि बेटा ट्वेल्थ क्लास पास कर लिया ये ले रक्सैक ये ले साबुन तेल ये ले कपड़े जा पूरा भारत दर्शन करके आ फिर तेरे से बात करता हूं कभी किसी फादर ने यह कहा है तो मैं तो चेंज करना चाहता हूं मेरे को तो पता है इंडियन ah, ah, right. फैमिली को मैं चेंज करना चाहता रणवीर, रणवीर, रणवीर। रणवीर, शशांक जी। तो बहुत था, पर मेरे को नौकरी की जरूरत थी <laughs> <laughs> तो जितना भी मैं शॉक हुआ मैं पढ़ के खुश भी हुआ बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी और एक ये जो लड़का था वो दिल्ली के एक इलाके से जो मैं मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और पर मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और मुझे ये समझ आया तितली स्क्रिप्ट पढ़ के कि जो हमारे देश में चल रहा है जो ये पेट्रिया का जो ये मैस्कुलिनिटी ओवरडोज हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ बिकॉज मैं एक शेल्टर्ड लाइफ जिया हूँ और सबके पीछे मेरे को कुछ नहीं समझ आया तो मैं शौक़ जरूर हुआ मैं खुश ज्यादा हुआ और यारी रोड के दो चक्कर माने मैंने कि मेरे को पिक्चर मिल गई है तो मेरा कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था इधर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले तो मैं एक्चुअली शॉक में थी क्योंकि uh, मैं बॉलीवुड फुल ऑन फॉलो करती आई हूँ बचपन से और मुझे हीरोइन बनना था तो फा मेरे लिए तो ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी।, थी और uh, uh, जैसे मैंने अपनी फैमिली को देखा था तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत ज़्यादा uh, ये क्या लिख दिया है ये बहुत डार्क है और डार्क भी किस सेंस में कि, kind of am, है कि बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम मुझे चीज़ें बहुत वाइट दिखती हैं मेरे लिए सिर्फ ब्लैक और वाइट दो जोन हुआ करते थे और मैं शिवानी को हमेशा वाइट जोन में रहना है ठीक है आई वॉन्ट टू बी अ गुड गर्ल और सब कुछ अच्छा होता है इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है वो सब बिलीव करती थी मैं बट uh, तितली ने मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिखाया है और चेंज किया है बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मैंने रिलेट करना शुरू किया अपनी फैमिली में वो चीज़ें याद होता है ना आप जब पढ़ लेते हो चीज़ें तो आपको याद आता है आप रिलेट करते हो हर सीन के साथ तो मैंने हर सीन के साथ रिलेट किया तो मुझे लगा एक्चुअली कुछ गुड है ही नहीं सब कुछ ग्रे में फॉल कर रहे हैं सो so, uh, उसके बाद से

रनवीर सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अब आप सिंगल ही रहेंगे या शादी करेंगे यार तितली के बारे में बात करते हैं इसका क्या लेना देना है दिपाकर दिपाकर जिस तरह से ये आपने कैरेक्टराइजेशन किया पिक्चर का जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उसमें आपको नहीं लगता कि जो लैकनेस लैक, लैकने ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कैरेक्टर्स में अब अब आप एजुकेशन की बात छेड़ रहे हैं तो मैं फिर उल्टा क्वेश्चन करूंगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है एजुकेशन का मतलब आप ये कह रहे हैं कि माता पिता की बात सुनो सदा सुबह उठ के नमस्कार करो तो मैं उस एजुकेशन में बिलीव नहीं करता हूं तो नहीं ये एजुकेट करने के लिए नहीं बनी ना ये दिखाने के लिए बनी है कि इसमें एजुकेशन खराब है ये बस ये दिखाने के लिए बनी है या कि पहली बात है कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एंगेजिंग है एंटरटेनिंग है इसलिए